हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SS स्टडी 2.0 पर। आज हम आपको हिंदी बोलियां और उपभाषाओं की व्याख्या करने के बाद आज सभी बोलियां और उपभाषाओं के ट्रिक के रूप में एक कविता और उस कविता के माध्यम से हम आपको एक नई शैली जो विकसित करने का प्रयास है मेरा वो करूँगा और आप सभी लोग जुड़ जाइए हमसे। और वो जो कविता है उस कविता के माध्यम से आप लोग 5 भाषाएं 18 बोलियां याद रख सकते हैं। होता ये है कि हम जब पढ़ लेते हैं उसके बाद परीक्षा हॉल में जब पहुंचते हैं वहां पहुंचकर हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जब विकल्प पढ़े हुए चारों मिलते हैं तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। उसके लिए बचने के लिए उससे ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रिक आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो ट्रिक बनाने की कोशिश की है वो कविता के माध्यम से की है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं और जो आपने हिंदी भाषा की बोलियां और भाषाएं पढ़ी थी उसके बाद वो व्याख्या कर दी थी कैसे प्रश्न आते हैं, पिछले वीडियो में ये सब कर दिया था। आज हम उस वो बोलियां और भाषाओं को कविता के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। और जो कविता है उसमें सभी तो भाषाएं बोलियां आ जाएंगी। देखिए कविता कि पूर्व अवस छत पश्चिम में, पूर्व अवस छत पश्चिम में, पूर्व अवस्थित पश्चिम में गूंजे हर ब्रज कान खड़ी है, गूंजे हर ब्रज कान खड़ी है, पूर्व अवस छत पश्चिम में बूने हर ब्रज कान खड़ी है, मेवाती मालवी मिली जयपुरी, मेवाती मालवी मिली जयपुरी, मेवाती मालवी मिली जयपुरी, राजस्थान फिर मारवाड़ी है, एक बार फिर देख लीजिए कि पूर्व अवस छत पश्चिम में बूने हर ब्रज कान खड़ी है, मेवाती मालवी मिली जयपुरी, राजस्थान फिर मारवाड़ी है, याद बिहारी कर लो मन में, 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 मैथिली मगही भोज पड़ी है, मैथिली मगही भोज पड़ी है, पूर्व अवस्थित पश्चिम में बूने हर ब्रज कान खड़ी है,
मेवाती मालवी मिली जयपुरी राजस्थान फिर मार बड़ी है, याद बिहारी कर लो मन में मैथिली मगही भोज पड़ी है, और नेपाली कमाई बसे गढ़ वाली, नेपाली कुमायूं बसे गढ़ वाले, नेपाली कुमायूं बसे गढ़ वाले पहाड़ी पर सब बोली चढ़े हैं, पहाड़ी पर सब बोली चढ़ी है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में हिंदी भाषा की उपभाषाएं, हिंदी भाषा की उपभाषाओं की बोलियां सबका एक ग्राफ में समायोजित किया था और उसकी व्याख्या भी की थी, और उसने ये भी बताया था इसमें प्रश्न किस तरह से बनते हैं, प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं उनकी मूल जड़ जो थी वो मेरे ग्राफ के रूप में आपको बताया था, और उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हमने तरीका भी बताया था कैसे प्रश्न बनते हैं और किस तरह से उन्हें हल किया जाता है। होता यह है कि पूरा ग्राफ आपने तैयार कर लिया, आपको पूर्वी हिंदी की बोलियां पता हैं, पश्चिमी हिंदी की भी बोलियां पता हैं, बिहारी हिंदी की बोलियां पता हैं, राजस्थानी हिंदी की बोलियां पता हैं, पहाड़ी हिंदी की बोलियां पता हैं, सब बोलियां पता होने के बाद भी परीक्षा हॉल में परीक्षा का दबाव होने के नाते प्रश्न गलत हो जाता है, उत्तर देते हैं तो गलत देते हैं, प्रश्न तो सही होता है लेकिन प्रश्न का जब उत्तर देते हैं तो गलत हो जाता है। अब देख लीजिए, जिसको ग्राफ तैयार है उसको तो समझ में आएगा, और जिसने ग्राफ ही तैयार नहीं किया है वो नहीं समझ पाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले तो वो कृपा करके वो वीडियो देख लें तो ज्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं देखा है फिर भी हम इसी वीडियो में कोशिश करेंगे आपको वो हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियों को समझाने का प्रयास करूंगा। इसी चार पंक्तियों में पांच उपभाषाएं भी आ जाती हैं और 18 बोलियां भी आ जाती हैं। तो देख लीजिए, एक बार पढ़ते हैं लयबद्ध इसको और उसके बाद हम इसके खोलेंगे, इसमें इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, ये सब खोलेंगे, कहां कौन सी बोली का नाम है, याद आपको तब भी करना है। इसलिए ये उसके लिए है कि अगर आपको पता है बोलियां आपने रट ली है, परीक्षा में जब प्रश्न आया उसके चार विकल्प देखे तो अब कन्फ्यूजन हो गए, कभी कन्फ्यूजन कैसे दूर किया जाए, उसके लिए ये चीजें काम करते हैं, वो भी जरूरी है और जरूरी ये भी है। ऐसा नहीं है केवल इतने से काम चल जाए, ऐसा भी नहीं केवल उतने से काम चल जाए। अगर वो तैयार कर लिया, उसको याद रखने का एक तरीका ये है कि आप परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन जो होने का वो क्रम होता है वो टूट जाता है, कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है, और हम जैसे ही दोहराते हैं पंक्ति गुनगुनाते हैं वैसे ही वो हमारे दिमाग में आ जाता है, हाँ किसकी ये हो जाएगी। तो देख लीजिए एक बार कि पूर्व अब बस छप्पस चिन्ह में बूंदे हर गज कान खड़ी है, मेवाती मालवी मिली जयपुरी राजस्थान फिर मार बड़ी है, याद बिहारी कर लो मन में मैथिली मगही भोज पड़ी है, नेपाली कुमायूं बसे गढ़ वाली पहाड़ी पे सब बोली चढ़ी है। अब ये ट्रिक के रूप में तो हो गई, आपने इसको याद भी कर लिया, लेकिन पिछला वीडियो नहीं देखा या बोलियों के नाम नहीं पता है आपको, उसके लिए हम इसको खोल के बता रहे हैं। देख लीजिए, हिंदी की उपभाषा का नाम है पूर्वी हिंदी, पूर्व का मतलब यहां हो गया आपका पूर्वी हिंदी, ये क्या है उपभाषा है, हिंदी भाषा की उपभाषा क्या है पूर्वी हिंदी है। अब पूर्वी हिंदी की ये बोलियां हैं तीन, तो देख लीजिए जैसे याद है आपको, अब का मतलब याद होगा तो जिन लोगों ने याद कर लिया होगा वो समझ गए होंगे, पूरा भाव समझ में आ गया होगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, इनकी व्याख्या कर रहा हूं कि पूर्व का मतलब हो गया पूर्वी हिंदी जो भाषा है आपकी, और इसके अंतर्गत
आपकी एक अवधि बोली है, अवधि अवधि है। बस का मतलब हो गया बघेली, बघेली हो गई। छत का मतलब हो गया छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की उपभाषा क्या हो गई? वह पूर्वी उपभाषा हो गई पूर्वी हिंदी। उनकी बोलियां क्या हो गई? अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो मैंने ग्राफ के द्वारा भी स्पष्ट की है और आज कविता के द्वारा स्पष्ट कर रहा हूं। अब बात आती है दूसरी उपभाषा मेरी। ये दूसरी उपभाषा, जो तो पहली उपभाषा थी आपकी, उसकी ये एक दो और तीन क्या हो गई? बोलियां हो गई। अब दूसरी उपभाषा देख लीजिए। दूसरी उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिम का मतलब हो गया पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ये भी ये क्या हो गई? उपभाषा हो गई पश्चिमी हिंदी। क्या हो गई इसकी? ये उपभाषा हो गई पश्चिमी हिंदी। अब इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं वो देख लीजिए। एक तो बोली आपकी आती है बूने। बूने का मतलब यहां हो गया बुंदेली। बूने का मतलब हो गया बुंदेली। यहां हरे का मतलब हो गया हरियाणवी। बूने का मतलब बुंदेली हो गया, हरे का मतलब हो गया हरियाणवी, और ब्रज का मतलब हो गया ब्रज भाषा। क्या हो गया? ब्रज भाषा हो गया। कान का मतलब यहां क्या हुआ? कन्नौजी। कान का मतलब क्या हो गया? आपकी कन्नौजी हो गया। अब खड़ी, जो आज हम भाषा प्रयोग करते हैं वो यही है मानक रूप, खड़ी बोली। इसका मतलब हो गया खड़ी बोली। बात समझ में आ गई होगी कि पूर्व अब बस छत पश्चिम ने बूने हर ब्रज कान खड़े है। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी क्या होती हैं? बोलियां होती हैं। और पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत बुंदेली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली होती है। ग्राम में इस तरह से होंगे, खड़ी बोली पहले होगी, ब्रजभाषा होगी, उसके बाद कन्नौजी होगी, फिर आपकी बुंदेली, उसके बाद हरियाणवी होगी। लेकिन याद अगर आपको है तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ट्रक। अब हम बात करते हैं राजस्थानी की। तो देखिए राजस्थानी, ये देखो यहां ये राजस्थानी, ये क्या हो गई? आपकी उपभाषा हो गई। राजस्थान का मतलब यहां है राजस्थानी उपभाषा, राजस्थानी, ये क्या हो गई? आपकी उपभाषा हो गई। अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी बोलियां आती हैं वो देखिए। अब राजस्थानी के अंतर्गत देखो मेवाती, मालवी और जयपुरी। अब इसमें बहुत ज्यादा शॉर्टकट नहीं, पूरा पूरा नाम है, तो इसलिए सीधा सीधा याद रखो कि राजस्थानी में मेवाती हो गई, मालवी हो गई, जयपुरी हो गई। और यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा, मारवाड़ी होता है चाहे मारवाड़ी करना, हमने मारवाड़ी कर दिए, क्योंकि हमें तो खड़ी बड़ी पड़ी चढ़ी करनी थी, इसलिए मुझे बड़ी करना पड़ा। आप लोग मारवाड़ी ही समझे इसको। ये क्या है आपकी? मारवाड़ी। ठीक, अब देखिए बात याद है। अब आती है बिहारी हिंदी की बात। किसकी आ रही? बिहारी हिंदी भी हमारी क्या है? तो पहली पूर्वी हिंदी उपभाषा हो गई, दूसरी उपभाषा क्या हो गई आपकी? पश्चिमी हिंदी हो गई। तीसरी जो भाषा है वो आपकी होगी राजस्थानी, और चौथी भाषा है वो आपकी हो गई बिहारी। अब बिहारी हिंदी, इसका बिहारी का मतलब यहां हो गया आपका बिहारी हिंदी।
ये क्या है? उपभाषा है। क्या है? उपभाषा है। अब इसकी बोलियां देख लो, तीन बोलियां, तीनों के नाम देखे, मैथिली, मगही, भोजपुरी है। अब यहां मारवाड़ी करना, मारवाड़ी का मारवाड़ी करना पड़ा था, यहाँ भोजपुरी का मुझे भोजपुरी करना पड़ा, तो इसका मतलब वो लगभग सेंस निकल ही आएगा आपका इन दोनों का, तो ये हो गई आपकी क्या? भोजपुरी। इसका मतलब हो गया भोजपुरी। तो हमने देखा बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी तीन क्या है? बोलियां हैं। अब आगे देखिए, अब बात आती है अंतिम भाषा जिसका नाम क्या है? पहाड़ी हिंदी। क्या है? पहाड़ी हिंदी आ गई। अब इस पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनके नाम देखो, एक तो नेपाली आती है, एक कुमायूनी, इसका पूरा कुमायूं का मतलब यहां हो गया कुमायूनी, कुमायूनी। उसके बाद गढ़वाली, ये पूरी सेम आ गई। पहाड़ी पे सब बोली चढ़ी है, तो पहाड़ी हिंदी ये बोलियां हो गई। इस तरह से क्या आ गई आपके इस ग्राफ के माध्यम से याद कर लो चाहे तो, तब भी काम चल जाएगा। केवल उसकी पृष्ठभूमि पता हो आपको, अगर पृष्ठभूमि पता होगी तो ये आसानी से याद रहेगा। जैसे मैंने इससे पहले ये सब करा दिया था ग्राफ के माध्यम से, तो ग्राफ में आपने तैयार कर लिया होगा, तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप शॉर्टकट है ये, और इसका थोड़ा खोल दिया हमने। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, जो आपका क्या है पश्चिम में हो गया, पांच हो गई, उसके बाद राजस्थान, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत चार जो क्या है बोलियां हैं, एक तो बोली आपकी हो गई ये, एक दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी ये हो गई मारवाड़ी, मारवाड़ी। अब याद बिहारी या बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी मैथिली हो गई, मगही हो गई, भोजपुरी हो गई। उसी प्रकार क्या होगा नेपाली, तो नेपाली नहीं, नेपाली, कुमायूनी और गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आ गई। इस तरह से हमने देखा कि जो रूप मैंने ग्राफ में बनाया था उसका ये कविता रूप है, और कविता रूप में अगर आपको कविता अच्छी लगती है, सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो कविता के द्वारा तैयार कर लीजिए। अगर आपको कविता नहीं अच्छी लगती है तो जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है उसमें ग्राफ के द्वारा समझाया गया था, उसको तैयार कर लीजिए। अब इतना तो सामान्य परीक्षाओं के लिए तैयार हो गया, बहुत सारे प्रश्न ही प्रश्न है, ये जड़ है प्रश्नों की, जड़, ये जड़ आप तैयार करके देखिए, उसके बाद प्रश्नों को हल करके देखें। तो मेरा ये विश्वास है कि अधिकतर प्रश्न आप हल करके छोड़ेंगे और वो हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।